दोस्तों आज से आप फूल गोभी बनाने से पहले डंठल बनाने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि आपको यह गोभी की सब्जी से कई गुना ज़्यादा टेस्टी लगने वाले हैं। फूल गोभी के डंठल वैसे तो कई तरह से बनाए जाते हैं, मगर आज मैं लेकर आई हूँ वही तरीका जिस तरीके से बचपन में मेरी नानी बनाकर मुझे खिलाती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनी और आज मैं आपके चैनल स्वाद रहेगा याद पर लेकर आई हूँ फूल गोभी के डंठल की क्रिस्पी और बेहद ही टेस्टी सब्जी बनाने की रेसिपी। दोस्तों इससे पहले कि बनाना शुरू करें, वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, शेयर करना बिल्कुल फ्री है, आपको मेरी मेहनत का इतना तो फल देना ही चाहिए। जो साथी चैनल पर नए हैं वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 4-5 फूल गोभी के डंठल लिए हैं। इसके बाद प्याज की पत्तियाँ, आपके यहाँ हरे प्याज की पत्तियाँ ना हो तो मीडियम साइज का एक प्याज भी ले सकते हैं। छोटे साइज के 4-5 आलू, आधी मूली, एक गाजर, आधा कप हरी मटर, करीब 10 कलियाँ लहसुन की और 4 हरी मिर्च ली हैं। फूल गोभी के डंठलों को हमने इस तरह से काट लिया है और इधर हमने आधा कप चावल करीब 1 घंटे के लिए भिगो दिए थे। इनको मिक्सी में डालेंगे और इसके ऊपर से डालेंगे हरी मिर्च, लहसुन और हरे प्याज को। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको पीस देंगे। तो देखिए इस तरह से चावल के साथ मसालों का पेस्ट भी तैयार हो चुका है और मूली, गाजर और आलू को हमने इस तरह से काट लिया है। अब गैस पर रखेंगे पैन और उसमें डालेंगे करीब 1 गिलास पानी। इसमें हम फूल गोभी के डंठल डाल देंगे, धीमी आंच पर ढककर पकाएंगे। तो करीब 10 मिनट पकाने के बाद इसमें हम आलू डालेंगे और मिक्स करके ढक देंगे और पकाएंगे। तो करीब 5 मिनट बाद मूली और गाजर भी डाल देंगे और मिक्स करने के बाद फिर से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पर हमने सब्जियों को इनकी हार्डनेस के हिसाब से पकाया है। सबसे हार्ड फूल गोभी थी तो सबसे पहले वह डाली। तो 5 मिनट के बाद इसमें अब हम मटर डाल देंगे और इसको भी 2 मिनट तक पकाएंगे और अब गैस बंद कर देंगे। अब एक बाउल में हम मिक्सी में पीसे गए चावल, प्याज की पत्तियों के पेस्ट को डालेंगे और इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेसन, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च 1 छोटा चम्मच, नमक स्वादानुसार और आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और आधा चम्मच कसूरी मेथी भी डालेंगे। इसके बाद अब हम इसमें उबाली हुई सब्जियों को डाल देंगे। इसके ऊपर 4 हरी मिर्च डाल दी हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए सब्जियां मिक्स हो चुकी हैं और अब हम बड़े साइज की कढ़ाई को गैस पर रखेंगे और इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तेल हमने करीब 1.5 बड़े चम्मच लिया है। इस सब्जी में तेल ज़्यादा ही पड़ता है। तेल गर्म हो जाए तो हम डाल देंगे 2 चुटकी हींग। इसके बाद इसमें हम सब्जियों के मिक्सचर को डालेंगे और अच्छी तरह से चला देंगे। इसको कुछ देर भूनेंगे और कुछ देर बाद सावधानी से पलट देंगे और फिर से इसको कुरकुरा करके भूनेंगे। इस तरह से पलट पलट कर करीब 10 मिनट तक पकाएंगे तो सब्जी काफ़ी क्रिस्पी हो जाएगी। तो देखिए कितनी बेहतरीन सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है और अब हम इसमें हरा धनिया डालकर मिक्स कर देंगे, कुछ देर और भूनेंगे। दोस्तों यह सब्जी हमें धीमी आंच पर ही पकानी है और भूननी है, इससे यह अच्छे से पकेगी भी और क्रिस्पी भी हो जाएगी। तो गैस बंद करने के बाद अब कुछ हरे प्याज को हम इस पर डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो सब्जी बनकर तैयार है। अब हम इसको एक प्लेट में सर्व करेंगे, ऊपर से करेंगे हरे धनिए और स्प्रिंग ऑनियन से गार्निशिंग। देखिए दोस्तों क्या जबरदस्त सब्जी बनी है, इसकी महक से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए इस शानदार सब्जी को। दोस्तों आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें और हमारी नई नई रेसिपी की वीडियो देखते रहें। इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलती हूँ किसी जायकेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।